तुम मेरा केस लड़ोगी? मेरी कही गई बात चाहे औरत की आवाज में हो या आदमी की, तुमने सही दोहराया। मैं तुम्हारी डिफेंस लॉयर बनकर तुम्हारा केस लड़ना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये बहुत ही काबिल तारीफ मूव है। ये आइडिया किसका था कि आप मेरी डिफेंस लॉयर बने? ये आइडिया था सच्चाई का, इंसानियत का। मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है मेरा। मैं इतना कम अकल नहीं हूँ कि तुम लोगों का शिकार बन जाऊं। करण, मेधा की बात तो सुनो। अरे ये ऋषभ का सारा पढ़ा हुआ पाठ है, मुझे बर्बाद करने के लिए कोई भी चाल चलेगा। आपको करण तुम्हारा ना समझ भाई ऋषभ खुद अपनी गलतियों का शिकार होता जा रहा है, अपने आप को तबाह करता जा रहा है। एक्चुअली तुम्हारी मदद करके मैं ऋषभ की मदद करना चाहती हूँ। ऋषभ की बीवी और मल्होत्रा खानदान की बहू मुझ जैसे गद्दार के लिए केस लड़ेगी और मैं इस बात को मान जाऊं? त्यागी जो ऋषभ का सबसे बड़ा वफादार है वो करण सिंह नाम के गद्दार की मदद कर रहा है, एंड आई डू बिलीव इट। क्योंकि त्यागी से ज्यादा वफादार ऋषभ के लिए ना तुम हो ना मैं हूं। देखो करण, हदरा ग्रुप से वफादारी का जो ढोंग तुमने किया है उस सच्चाई के बारे में मुझे पता चल चुका है। नहीं करण, ये बात मुझे ना गायत्री ने बताई है ना त्यागी ने। इनफैक्ट कजरी से मुझे इस बात का पता चला। करण, मेधा सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहती है। मैंने खुद देखा है इसे रंजना देवी और ऋषभ के साथ लड़ते हुए तुमको लेकर। ऋषभ को मेरी सच्चाई के बारे में मालूम हो गया? ऋषभ को अगर बताया भी जाए तो वो यकीन नहीं करेगा। करण तुमसे जानते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि ऋषभ इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम मेरा केस लड़ो। लेकिन करण, ऋषभ के लिए तुमने इतना बड़ा बलिदान दिया है, इसे तुम मेरा गुरूर समझो या कहो कि मगरूर है मेरा, लेकिन ऋषभ की जिंदगी के लिए मैं इससे भी बड़ी आहुति चढ़ाने को तैयार हूं। मैं ऋषभ से बेइंतहा प्यार करती हूँ और उसकी गलती के लिए मैं उसके खिलाफ भी हो जाऊंगी। उसको दुश्मनों की कमी नहीं है करण, तो मैं उसकी गलती को बढ़ावा देकर और दुश्मनी क्यों बढ़ाऊं? और करण, जब पुल बनाने की गुंजाइश हो तो हम सब अपने अपने टापू पर अकेले क्यों रहे? थोड़ा और दुख सहकर हम पुल बनाने की शुरुआत क्यों न करें, ताकि एक रोज इस नक्शे में हमारी दुनिया का नाम एक हो। लेकिन मेधा। प्लीज करण, लेकिन से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम मुझे अपना डिफेंस लॉयर स्वीकार करके मुझे ऋषभ से अपनी मोहब्बत साबित करने का मौका दोगे प्लीज? एडवोकेट मेधा मल्होत्रा अगर तुम्हारा केस लड़ रही है, देयर इज नो वे यू कैन लूज। मुझे इस बात का डर है गायत्री कि अब मेधा और ऋषभ का साथ कितना चल पाएगा।